गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. आई होप सो माय वॉइस इज ऑडिबल. वॉइस आ रही है क्लियर अब? यस सर. हाँ, अभी तक के मैं कुछ आ रही है सर. नहीं, मैं अभी तक के कुछ बोल ही नहीं रहा था, ठीक है, इसलिए आपको वॉइस नहीं लग रही थी. अब आ रही ना क्लियर? ओके, वी विल स्टार्ट. हाँ, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, सो दैट वी कैन स्टार्ट. तो लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में वी आर डिस्कसिंग अबाउट पिच फैक्टर, यानी शॉर्ट पिच वाइंडिंग हमने डिराइव किया था. अगर आपको याद होगा, के पी इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाय टू डिराइव किया था, राइट? पिच फैक्टर वी हैव डिराइव्ड इन लास्ट लेक्चर. के पी इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाय टू, वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज उससे देर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल. शॉर्ट पिच कॉइल मीन्स हम क्या करते हैं, कॉइल का पोल पिच रहता है, जो पोल अगर 1 to 6 तो 1 to 6 की जगह 1 to 5 कर देते, या 1 to 8 है तो 1 to 7 कर देते. पोल का जो डिस्टेंस है, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, उसको हम रिड्यूस करते हैं, जिससे आपके हार्मोनिक्स रिड्यूस होते हैं, साइनोसोडियल वेवफॉर्म होता है, और सेकेंड थिंग कॉपर लॉस रिड्यूस होता है. नेक्स्ट है, उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था व्हाट वी आर स्टडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ठीक है, और वाइंडिंग फैक्टर. तो वाइंडिंग्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वाइंडिंग फैक्टर की ये डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसमें एक फैक्टर आपको पढ़ना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर केडी. वी कॉल इट एज ए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर केडी. हम केडी फाइंड करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में, हम क्या करते हैं, केडी फाइंड करते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या होता है, हम वाइंडिंग्स को थोड़ा सा स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है. जैसे हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि आपको कितने स्लॉट्स अलॉट करते हैं, तो उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके वजह से केडी फैक्टर आता है. तो ये केपी एंड केडी, ये दो फैक्टर आपके ईएमएफ इक्वेशन में लगेंगे. मैंने आपको एक न्यूमरिकल फॉरवर्ड भी किया है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd न्यूमरिकल व्हाट्सएप में. तो उस न्यूमरिकल में आप देखोगे कि ईएमएफ इक्वेशन, हमको ईएमएफ इक्वेशन बेस्ड जो न्यूमरिकल है वो एग्जाम में आता भी है. उसमें पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दोनों को कैटर करके आपको ईएमएफ फाइंड करना पड़ता है, जो हमने ईएमएफ दी थी, ठीक है. तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की डेफिनेशन लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ केडी इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड और ईएमएफ विथ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ईएमएफ विथ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग. ईएमएफ विथ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ वो देखेंगे, डिवाइडेड बाय ईएमएफ विथ टू ईएमएफ विथ कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग. ईएमएफ विथ कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, ठीक है. तो केडी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ईएमएफ विथ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग टू ईएमएफ विथ कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग. कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग मीन्स एक स्लॉट में डाल देंगे आप, या दो स्लॉट में, जितना स्लॉट अलॉट किया उतने डाल देंगे. एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स आप थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है. इट इज अ रेशियो ऑफ ईएमएफ विथ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग टू रेशियो ऑफ ईएमएफ विथ कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग. और इसको इसका एक सेकेंड डेफिनेशन बनता है, फेजर सम अपॉन अरिथमेटिक सम, जैसे पिच फैक्टर में भी बनता है, वेक्टर सम अपॉन अरिथमेटिक सम. इसको लिख सकते हैं फेजर सम ऑफ कॉइल वोल्टेज पर फेज, फेजर सम ऑफ कॉइल वाइंडिंग मीन्स कॉइल डालना, फेजर सम ऑफ कॉइल वोल्टेज पर फेज अपॉन अरिथमेटिक सम. Arithmetics, ठीक है.
तो फेजर सम अपॉन अरिथमेटिक सम, जैसे पिच फैक्टर में भी निकाले थे हमने, एक ट्राइंगल बनाए थे, ट्राइंगल में फेजर सम दिए थे और एक अरिथमेटिक सम दिए थे। तो अरिथमेटिक सम से एक क्वाइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा वो देखना पड़ेगा, अपॉन फेजर सम से सारे क्वाइल को सम करोगे तो वो देखना पड़ेगा। तो अरिथमेटिक सम फेजर सम अपॉन अरिथमेटिक सम गिव्स यू डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर। इसका एक फॉर्मूला डिराइव होता है, थोड़ा सा समझने में आप समझ सकते हो बुक से भी देख के, थोड़ा सा मैथमेटिकली हल्का सा कंफ्यूज करता है, बट बी कॉन्फिडेंट हम लोग उसको बना के देखते हैं अभी यहाँ पे बोर्ड में कि हाउ टू ड्रॉ द दैट डायग्राम फेजर सम अपॉन अरिथमेटिक। हमको फेजर सम निकालना डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक सम निकालना। लास्ट क्लास में हमने एक पॉइंट पढ़ा था एम स्मॉल एम इज द टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेस, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेस। एंड एक बीटा निकाला था, बीटा क्या है इज अ फ्रेज, बीटा इज अ वन स्लॉट एंगल बिटवीन टू स्लॉट्स, एक स्लॉट का एंगल। ठीक है, तो सपोज एक पोल है, एक पोल में तीन चार फेसेस, सॉरी एक पोल में तीन चार, एक नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेस जो सपोज तीन स्लॉट यूज हो रहे हैं या चार स्लॉट यूज हो रहे हैं, हम कितने भी स्लॉट यूज कर सकते, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेस, एक ट्राई टू अंडरस्टैंड, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेस, एक फेस को हम कितने स्लॉट्स अलॉट करेंगे, एक पोल में एक फेस में हम कितने स्लॉट, एक नॉर्थ पोल में एक पोल में एक फेस में हम कितने स्लॉट अलॉट करते हैं, दैट इज एम, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेस, स्लॉट्स पर पोल पर फेस, में भी दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, उसमें हम क्वाइल्स को माउंट करते हैं। ठीक है, एंड एक एंगल हमने बीटा लिया था, बीटा इज द एंगल बिटवीन टू स्लॉट्स, दो स्लॉट्स के बीच में जो एंगल था वो बीटा था, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है वो 180 बाय एम आर। ठीक है, क्योंकि एक एक पोल का एंगल 180 है और वन पोल डिवाइडेड बाय स्लॉट्स पर फेस कर देंगे आप तो ये एम हो जाएगा, तो 180 बाय एम आपको बीटा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम एम एम देख के हम इसको एक फिगर बनाते हैं। आप सोचो सपोज दिस इज पॉइंट ओ, ठीक है, ओ के पॉइंट से, ओ के पॉइंट से आपका एक एक आर्क बन रहा है। ठीक है, रेड पेन सपोज ये एक आपका EC1, एक क्वाइल का एंगल बन गया। ठीक है, EC1 दिस इज द एंगल ऑफ वन क्वाइल, ठीक है, दिस इज EC1 एंगल ऑफ वन क्वाइल, एक क्वाइल ये हो गया, फिर सपोज और एक क्वाइल बन रहा है हमारा दूसरा क्वाइल EC2, तीसरा क्वाइल EC3, चौथा कॉइल ईसी फोर। ये हमारे वेक्टर सम है, ईसी वन प्लस ईसी टू प्लस ईसी थ्री प्लस ईसी फोर, दीज आर वेक्टर सम ऑफ फेस वोल्टेजेस, वन टू थ्री फोर, ये क्या है आपका वेक्टर सम। चार कॉइल्स है सपोज, चार स्लॉट्स में माउंटेड है, तो चार कॉइल्स का चार कॉइल में माउंटेड है, तो आपको चार कॉइल का सम क्या हो जाएगा, ईसी वन प्लस ईसी टू प्लस ईसी थ्री प्लस ईसी, मैग्नीट्यूड सबका सेम है बट वेक्टर सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी योर फाइनल। ठीक है, तो एक होगा आपका फेजर सम EC1 plus EC2 plus EC3 plus EC4 और एक होगा वेक्टर सम दैट इज E, वेक्टर सम जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, E निकलेगा। तो थोड़ा सा डायग्राम केयरफुली बनाओ, डायग्राम थोड़ा सा केयरफुली बनाओ, वो आपको थोड़ा सा केयरफुली बनाओगे तभी जो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मुझे अभी EC1 निकालना है,
और आई कैन से EC1 is equal to क्या हो जाएगा, देखो ये M हो गया, EC1 plus EC2 plus EC3 plus EC4 MEC हो गया, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेस, 1 2 3 4 चार स्लॉट्स है, तो मैंने चार यहां पे फिगर में दिखाया, एक्चुअल वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेस M स्लॉट्स पर फेस। तो आपका अरिथमेटिक सम क्या हो गया, MEC हो गया, ये आपका अरिथमेटिक सम जो हो गया वो MEC1 हो गया, M टाइम्स EC1 हो गया अरिथमेटिक सम। एंड वेक्टर सम क्या हो जाएगा, वेक्टर सम क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको AB नाम देता हूं, वेक्टर सम आपका AB हो जाएगा और ये सम क्या हो जाएगा, MEC हो जाएगा। मुझे फाइनली AB निकालना है और EC1 ये निकालना है, ठीक है। और A ये यहां पे मैं दे देता हूं P नाम दे देता हूं, ठीक है। वेक्टर सम एक है और AP is your, एक कॉइल का वोल्टेज है तो M टाइम्स AP gives you अरिथमेटिक सम एंड AB gives you वेक्टर सम। मुझे फाइनली AP निकालना है और AB निकालना है, AP निकालना है और AB निकालना है, ठीक है, ठीक है। एंड EEC या ये मैंने EC1 EC2 दिया तो ये फाइनली EC इज अ वोल्टेज इंड्यूस्ड इन वन कॉइल, ES is the voltage induced in one coil. एक coil में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो EC है। वोल्टेज इंड्यूस्ड इन वन coil. एक coil में जो इंड्यूस वोल्टेज हो रहा है वो है, एक coil में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो EC। हम EC निकालने की कोशिश करते हैं, इसमें ज्योमेट्री देखो, बस मैं ज्योमेट्री इसलिए बता रहा हूं कि ये ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्योंकि मुझे ईसी निकालना है, ज्योमेट्री देखना पड़ेगा। हेलो क्या अरे मीटिंग चल रही कुछ देर राइट, देखो आपको ज्योमेट्री से EC1 निकालना पड़ेगा, ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एंगल कैसे निकलेगा आपको, ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा है, ये आपको बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा, क्योंकि एक 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 स्लॉट्स है, एम स्लॉट्स है, तो एक स्लॉट का एंगल क्या है, बीटा है, एक स्लॉट का एंगल क्या है, बीटा है, दिस इज वन स्लॉट एंगल, एक स्लॉट का एंगल क्या है, बीटा है, एक स्लॉट का एंगल बीटा है, एक कॉइल है EC1, EC1 की वैल्यू हमको इस बीटा से लेनी पड़ेगी। और अगर मैं ये फाइनली पूरा ऐसा जाता हूं तो ये पूरा टोटल एंगल क्या हो जाएगा, एम बीटा, क्योंकि नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं, M है, तो टोटल ये एंगल क्या हो जाएगा, M बीटा हो जाएगा, और एक स्लॉट का एंगल क्या होगा, वन स्लॉट एंगल इज बीटा, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री अच्छे से देखो, एक स्लॉट का एंगल क्या है और वन स्लॉट एंगल इज बीटा एंड मैग्नीट्यूड इज EC1, मुझे EC1 निकालना है, वन स्लॉट का एंगल क्या है आपका, बीटा है। अब आप थोड़ा सा केयरफुली देखो, इससे मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूं, इससे मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूं, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा है, ठीक है। तो एक स्लॉट पे मैं काम कर रहा हूं EC1 निकालने के लिए, एक स्लॉट में एक स्लॉट का एंगल बीटा है, उस बीटा के बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूं, या एंगल बाइसेक्टर भी हो गया, और ये यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया 90 डिग्री में, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, टोटल एंगल बीटा था तो आधा का एंगल क्या हो जाएगा, बीटा बाय 2, राइट। नेक्स्ट एंगल विल बी बीटा बाय 2, एंगल बीटा बाय 2 हो रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये एंगल जो हो जाएगा ये बीटा बाय 2 हो जाएगा, आधा एंगल, आधा एंगल, पूरा एंगल क्या था, बीटा था, अब आधा एंगल कर दिए, वो हो गया आपका बीटा बाय 2। तो अब बीटा बाय 2 जब एंगल हो गया है आपका, नाउ योर एंगल इज बीटा बाय 2, now your angle is beta by 2, तो beta by 2 पे आपको वर्क करना पड़ेगा। तो अगर ये मैग्नीट्यूड, अगर ये रेडियस है, कॉमन मैग्नीट्यूड, अगर रेडियस है, रेडियस है, ये जो मैग्नीट्यूड है, ये छोटा सा मैग्नीट्यूड है, ये क्या हो जाएगा, साइन कंपोनेंट बनेगा, क्या बनेगा, ये मैग्नीट्यूड साइन कंपोनेंट, r, अगर ये रेडियस r है, r
बीटा बाय टू है, ये हाइपोटेनियस है, ये है, ये हाइपोटेनियस इज आर, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये आर हाइपोटेनियस है, 90 डिग्री का अगर मैं कंपोनेंट ले रहा हूं, ये कंपोनेंट कॉस होगा और ये कंपोनेंट साइन होगा, आर साइन बीटा बाय टू, आर साइन बीटा बाय टू, ये आधा डिस्टेंस बनेगा और या पूरा डिस्टेंस ई सी वन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टू टाइम्स आर साइन बीटा बाय टू, बस ये निकल गया, मीन्स आपका आधा हो गया, डेरिवेशन का आधा पार्ट हो गया। ये समझ में आया क्या, ई सी की वैल्यू, एवरीबडी गॉट इट, द वैल्यू ऑफ ई सी इज टू आर साइन बीटा बाय टू, द वैल्यू ऑफ ई सी इज टू आर साइन बीटा बाय टू, ठीक है, दिख रहा है ना, क्लियर विजिबल है ना बोर्ड, वैल्यू ऑफ ई सी इज टू आर साइन बीटा बाय टू, तो ये आर है आपका हाइपोटेनस, आर साइन बीटा बाय टू हाफ हुआ एंड हाफ ऑफ प्लस टू आर साइन बीटा बाय टू, ये आर साइन बीटा बाय टू, आर साइन बीटा बाय टू, आर साइन बीटा बाय, ये हो गया आपका जो हम एक फेस का, सॉरी एक स्लॉट का, एक कॉइल का वोल्टेज इन दिस वोल्टेज, ठीक है, ये इंटू एम कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंटू एम कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा पूरा अल्जेब्रिक सम, अल्जेब्रिक सम ऑफ इंड्यूस वोल्टेज। अब वेक्टर सम ए बी निकालना है, तो आई कैन से अल्जेब्रिक सम क्या हो गया, अल्जेब्रिक और अरिथमेटिक सम क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एम टाइम्स 2R साइन बीटा बाय 2, दिख रहा है ना स्क्रीन, 2R साइन बीटा बाय 2, M टाइम्स 2R साइन बीटा बाय 2, ठीक है। अब अरिथमेटिक सम A B को देखिए, अब मैं A B निकालना चाहता हूं, ठीक है, थोड़ा सा केयरफुली देखो, A B को निकालना चाहता हूं, A B को निकालने के लिए आप 90 डिग्री इसमें ड्रॉ करो ओ से, ये 90 डिग्री ओ से, ओ से आप 90 डिग्री ओ ओ एन ड्रॉ करो 90 डिग्री। अब मैं डिस्टेंस क्या निकाल रहा हूं, ए एन या ए बी, ए एन, ये डिस्टेंस निकाल रहा हूं ए एन, ठीक है। अब मैंने कल की क्लास में बोला था ये पूरा एंगल एम बीटा है, दिस एंगल इज एम बीटा, तो ये आधा एंगल कितना होगा, ये आधा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल एम बीटा है, ये आधा एंगल क्या हो जाएगा, एम बीटा बाय टू, ठीक है, और यू कैन से दिस हाफ एंगल इज एम बीटा बाय टू, इसमें कंपोनेंट क्या गिरेंगे, साइन ऑफ एम बीटा बाय टू, ये एम बीटा बाय टू कंपोनेंट है और ये एम बीटा बाय टू कंपोनेंट है, साइन एम बीटा बाय टू, तो आई कैन से ए बी इज इक्वल टू टू टाइम्स ए एन और इज इक्वल टू टू टाइम्स ए एन, एंड टू टाइम्स ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू इंटू आर टाइम्स साइन एम बीटा बाय टू, एंगल क्या हो रहा है, ये आधा एम बीटा बाय टू, दिस एंगल इज एम बीटा बाय टू, दिस एंगल इज एम बीटा बाय टू, एम बीटा बाय टू एंगल हो गया, तो ये आपका टू आर साइन एम बीटा बाय टू, ये हो गया आपका वेक्टर सम, क्योंकि ए बी इज नथिंग बट फेजर सम और वेक्टर सम, एक दो तीन चार, चारों को आप वेक्टोरियली ऐड करोगे तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। आई एम एडिंग वेक्टर ए थ्री ई सी वन, वेक्टर ई सी वन, वेक्टर ई सी टू, वेक्टर ई सी थ्री, वेक्टर ई सी फोर, रिजल्टेंट विल बी वेक्टर ए बी, एंड अरिथमेटिक सम में क्या हो जाएगा, ई सी वन इंटू एम टाइम्स, एम टाइम्स ई सी, एम टाइम्स ई सी। तो फाइनली आपने जो फार्मूला लिखा है के डी का, के डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर सम क्या हो जाएगा, टू आर साइन एम बीटा बाय टू अपॉन एम एम टू आर साइन, एम टू आर साइन बीटा बाय टू, टू आर कैंसिल हो जाएगा आपका, फाइनली के डी क्या बचेगा, फाइनली के डी क्या बचेगा, साइन एम बीटा बाय टू अपॉन
साइन एम बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा। फाइनली के डी की वैल्यू क्या बचेगी? फाइनली के डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के डी इज इक्वल टू साइन एम बीटा बाय टू अपॉन एम साइन बीटा बाय टू। थोड़ा सा केयरफुली देख लेना, बीटा बाय टू कहीं एम बीटा बाय टू है और कहीं बीटा बाय टू है, कहीं बाहर एम है, तो ये तो के डी इज इक्वल टू क्या बन रहा है आपका? साइन एम बीटा बाय टू। KD is equal to sin क्या बन रहा है? M beta by 2 upon M sin beta by 2. So this is the formula for KD. Which factor, distribution factor आपके पास आ गया? So final EMF equation क्या हो जाएगा? We will, I can write the final EMF equation of generator. Final EMF equation of generator. Per phase, EMF equation of generator per phase is equal to 4.44 F. This is the final EMF equation of generator. Final EMF equation of generator is 4.44 F/T kp kd. Kp is pitch factor and kd is distribution factor. अगर ये equation के सारे components आपको समझ में आ गए, पिच फैक्टर समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर समझ में आ गया, तो आपके पास जो न्यूमेरिकल ऑलरेडी व्हाट्सएप में आपके को गिवन है, व्हाट्सएप में जो मैंने फॉरवर्ड किया है, उस न्यूमेरिकल को पढ़ के, डेटा पढ़ के आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो डेट न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लिया, मीन्स आपको ईएमएफ इक्वेशन पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो पिच फैक्टर, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर फूल, बीटा क्या होता है, एम क्या होता है, अल्फा क्या होता है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है, ये सब चीजें अगर आप कोरिलेट कर लिया आपके दिमाग में, तो यू कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल तो एग्जाम में आता ही है, आप लोग एग्जाम दोगे तो न्यूमेरिकल्स रहेंगे ही। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस न्यूमेरिकल इज ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जाम, यू हैव टू बी ऑलवेज केयरफुल, यू हैव टू बी ऑलवेज केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल। व्हाट इज एम, व्हाट इज केडी, व्हाट इज केपी, पाई क्या, टी क्या है, वो सॉल्व। आई थिंक यू हैव अ नोट पैड, उस न्यूमेरिकल को पढ़ो और एक बार सॉल्व करने की कोशिश, सॉल्व करके बताओ मुझे फास्ट, राइट? अगर वो सॉल्व हो गया मीन्स आपका हो गया। तो क्या बोलता है वो? द थ्री फेस एट पोल 750 आरपीएम सिंक्रोनस अल्टरनेटर, ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, उसका डेटा लिखो आप, स्लोली सॉल्व हो जाएगा। थ्री फेस एट पोल 750 आरपीएम, फेस एट पोल 750 आरपीएम, तो 750 आरपीएम गिवन है आपका, तो उससे एफ निकालो सबसे पहले आप। 750 आरपीएम का एफ कितना होगा? एट पोल है, थ्री फेस एट पोल 750 आरपीएम, एन तो यूज होता ही नहीं, तो एट पोल आरपीएम, पी इज इक्वल टू एट एंड नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू N is equal to 750 RPM and P is equal to 8. तो इस डाटा से का क्या निकलेगा आपका? F निकलेगा। F कितना आया? बताओ F कितना आया? Frequency कितनी आई? Frequency का formula है ना आप लोगों के पास? अरे एक formula है ना, NS is equal to 120 F by P. तो F is equal to क्या हो जाएगा? P NS by 120. तो 8 pole डाल दो और 750 RPM डाल दो। 8 पोल 750 आरपीएम डालोगे तो आपको मिल जाएगा, कितना मिल रहा है फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ट्ज मिल रहा है। आई होप सो 50 हर्ट्ज सबकी फ्रीक्वेंसी आ गई। आप लोग कैलकुलेटर भी रखो अपने पास, राइट? कैलकुलेटर भी रखो और नोटबुक तो रखना ही रखना है। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेटर एंड नोटबुक आप रखो। तो 750 आरपीएम से आपको 50 हर्ट्ज आ गया। आगे बढ़ो, आगे क्या बोल रहा है वो? 72 स्लॉट्स, स्लॉट्स कितना है? 72 स्लॉट्स है। ठीक है, ईच स्लॉट्स हैज 12 कंडक्टर्स, एक स्लॉट में कितने हैं? 12 कंडक्टर्स। नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट इज 12,
12, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स क्या हो जाएंगे, जेड, जेड क्या हो जाएंगे 72 into 12, समझ में आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स जेड इज इक्वल टू 72 into 12, एंड टी कितना हो जाएगा, टी कितना होगा, अरे कोई बोलता ही नहीं है, टी कितना होगा, जेड अगर 72 इंटू 12 हो गया तो टी कितना होगा, एनीबडी, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर 72 इंटू 12 है, तो टी और जेड का रिलेशन हमने पढ़ा कितना होता है, टी और जेड का रिलेशन टू टाइम्स, हाँ जेड इज इक्वल टू टू टी टाइम्स, हाँ तो टी इज इक्वल टू जेड बाय टू, ठीक है ना, 72 into 12 by 2, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में टी है ना, तो टी आपको निकालना पड़ेगा, पहले मैंने कंडक्टर एक स्लॉट का गिवन था, उसको 12 से मिला के टोटल कंडक्टर निकाला, टोटल कंडक्टर को 2 से डिवाइड करके मैंने क्या निकाल लिया, टी नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लिया, अब क्या निकालना, आपके पास टी भी हो गया, आगे पढ़ो न्यूमेरिकल, शॉर्ट पिच बाय 2 स्लॉट से फ्लक्स कितना है 0.06, फ्लक्स इज 0.06 वेबर, ठीक है, तो फाई भी मिल गया, टी भी मिल गया, एफ भी मिल गया, बस केपी एंड केडी निकालना है, तो पिच फैक्टर को निकालने की कोशिश करो थोड़ा सा केयरफुली, इट इज शॉर्ट पिच बाय 2 स्लॉट्स, 2 स्लॉट से कम है वो, तो पहले स्लॉट्स पर पोल करो, शॉर्ट पिच लास्ट क्लास का लेक्चर देखो, शॉर्ट पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है, नाउ टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं 72 है, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं 8 है, तो 8 पोल्स 72 स्लॉट्स, यानी 8 डिवाइडेड बाय 72 डिवाइडेड बाय 8, 9 स्लॉट का एक पोल बन रहा है, ये पोल पिच कितनी है, 9 पोल है, सॉरी 9 स्लॉट्स, मैंने आपको बोला था इसको ऐसे बनाओ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 72 जाएगा यहां से, 1 से शुरू होके 10 तक के जाएगा, ठीक है, 1 से शुरू होके वो 1 से शुरू होके अगर 10 तक के जाएगा, वन से शुरू होकर 10 तक के जाएगा, तो हमको 9 स्लॉट्स पर पोल मिलेंगे, वो समझ रहा है ना, क्योंकि 8 पोल मशीन है, 8 पोल मशीन को आप 9 स्लॉट से डिवाइड करोगे, 8 पोल मशीन को कितने से डिवाइड करोगे आप, 8 पोल मशीन को कितने से डिवाइड करोगे, 72 स्लॉट्स को आप 72 स्लॉट्स को 8 से डिवाइड करोगे तो 9 स्लॉट्स मिलेंगे, तो एक पोल का जो फेस स्प्रेड है वो क्या हो जाएगा, 9 स्लॉट्स, ये 2 स्लॉट से कम है, तो अल्फा एंगल आपको निकालनी है 2 स्लॉट का एंगल, ये अल्फा एंगल कितना होगा, ये निकाल, अल्फा निकालनी है, अल्फा निकल गया मींस हो गया, तो 2 स्लॉट से शॉर्ट पिच है, ठीक है, 2 स्लॉट से शॉर्ट पिच है, तो 9 स्लॉट इज इक्वल टू 180 डिग्री, वन स्लॉट इज इक्वल टू कितना हो रहा है 20 डिग्री, टू स्लॉट्स 40 डिग्री, ऑफकोर्स इलेक्ट्रिकल, क्योंकि 180 डिग्री एक पोल का होता है, ठीक है, तो 40 डिग्री, यानी कि अल्फा क्या हो गया आपका, 2 स्लॉट्स है तो 40 डिग्री हो गया, तो अल्फा इज 40 डिग्री, आपको सबको समझ में आया क्या, इट इज शॉर्ट पिच बाय 2 स्लॉट्स, 2 स्लॉट्स है तो पहले आप एक स्लॉट का एंगल निकालो, एक स्लॉट का एंगल कितना हो जाएगा, एक पोल में कितने हैं 9 है, तो 9 एक पोल में कितने 9 स्लॉट्स है, 9 स्लॉट्स को क्या किया हमने, 180 को डिवाइडेड बाय 9 के तो 20 मिला, 20 इंटू 2 के तो 40 मिल गया, तो कॉस अल्फा बाय 2 क्या हो जाएगा आपका, ये कॉस अल्फा बाय 2 केडी हो जाएगा, तो केडी निकाल लो, केडी निकालने के बाद आपको पिच फैक्टर निकाल, सॉरी केपी निकल,
पी के निकालने के बाद आपको केडी निकालना है, तो केडी भी निकल जाएगा। तो निकला क्या किसी का केपी? कॉस 20 डिग्री कितना होता है बताओ? कॉस 20 डिग्री है कैलकुलेटर किसी के पास? तो जस्ट चेक कॉस 20 डिग्री क्या होता है। कॉस 20 डिग्री आपको पता चल गया तो वो केपी मिल गया, कॉस अल्फा बाय 2। अब लास्ट होता है केडी। केडी में आपको निकालना है एम, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेस। नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल 9 है, 9 डिवाइडेड बाय पर फेस कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे तो एम की वैल्यू हो जाएगी 3। एम इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेस इज इक्वल टू 3, एम 3 आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ स्लॉट 72 है, 72 को नंबर ऑफ पोल से डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे तो 9 हो जाएगा, फिर नंबर ऑफ इससे फेस से डिवाइड करोगे तो 3, एम इज इक्वल टू 3। बीटा क्या हो जाएगा? स्लॉट्स पर पोल बीटा हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल से डिवाइड करो, बीटा डिवाइड करोगे तो बीटा भी निकल जाएगा, फिर बीटा निकल गया तो आपका केडी निकल जाएगा। केडी निकल जाएगा तो आप कैलकुलेशन करो, एम साइन बीटा बाय 2 और डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। जो हमारे पास फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बेस्ड आपको आंसर आ जाएगा। आई होप सो ये आप कर लोगे, ठीक है, केपी एंड केडी। तो इसका एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो घर में आराम से, बीएल थेरेजा की बुक है उसमें बुक से और देखो न्यूमेरिकल। तो इस टाइप का एक न्यूमेरिकल क्लास में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, विल डिस्कस सम मोर थिंग्स इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में और चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। एम निकाल लो, बीटा की वैल्यू निकाल लो, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिवाइडेड बाय, बीटा भी 20 ही होगा, ठीक है, 180 डिवाइडेड बाय बीटा विल बी 20, ठीक है। एम 3 होगा, बीटा क्या हो जाएगा? 180 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 20, तो एम भी मिल गया, बीटा भी मिल गया, तो आपका हो गया आंसर, आ गया केडी भी, आ गया केपी एंड केडी आ गया, आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, ठीक है। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स क्यूरीज तो आप बताओ। हियर आई विल स्टॉप, हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और आगे इसका बढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी को कोई तो क्यूरीज है, क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हैं, राइट। और आई विल स्टॉप हियर। वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? अच्छा, केपी 0.94 आया क्या सबका एंड केडी 0.96 आया क्या? चेक करो। कॉस अल्फा बाय 2 है ना, कॉस 20 डिग्री, जस्ट कॉस 20 डिग्री है, और केडी भी चेक कर लो और फिर उसको इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो ई पर फेस कितना है वो बताओ मुझे, ईपीएच पर फेस कितना है, किसी का अगर आया हो तो बताओ, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर लेके बैठो, कभी कभी बीच में का न्यूमेरिकल होगी, क्योंकि ऑनलाइन तो आपको फिर इंटरनेट में यूट्यूब में हर चीज मिल जाएगा, राइट। बट अगर जो चीज आपको रियल टाइम में चाहिए इंजीनियरिंग का, तो वो आपको यहाँ पे ही मिलेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वगैरह हम एक आध न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे, बाकी तो ऑनलाइन लेक्चर्स आपको पिच फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कोई भी पढ़ा ही देगा। एनीबॉडी कैन टीच यू पिच फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। बट अगर आपको उसका थोड़ा सा लॉजिक पूरा समझना है, व्हाट इज द डेप्थ, और किसी को कोई कंफ्यूजन होता है तो आप उसी समय रोक के पूछ सकते हो, ठीक है। आपको पूरा ये निकालना है कैसे पिच, शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। शैल वी स्टॉप हियर? ओके, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा पेस में बढ़ेंगे आगे, तो आप थोड़ा सा पढ़ के आओ, मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल फॉरवर्ड करता हूँ, वो आप सॉल्व करके देना मुझे, ठीक है। सब लोग नोटबुक बनाओ अपनी, जब आप कॉलेज में आओगे तो आई विल चेक योर नोटबुक ऑल्सो, ठीक है। बिल्कुल स्मार्टफोन में घर में आपको एकदम